अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको बताने लगा हूँ एक नई मशीन जो इस वक्त मार्केट में बड़ी हिट चल रही है, ब्रूस नाम से। ये बिल्कुल जोकी की मशीन ही आप इसे कह सकते हैं। जैसे जोकी की मशीनें अक्सर प्रोफेशनल टेलर जो होते हैं वो जोकी की मशीनें यूज़ करते हैं, तो इसी तरह की है। इस मशीन का जो नाम है ब्रूस कंपनी की मशीन है और इसका जो मॉडल है Q5 जो इस वक्त सबसे लेटेस्ट चल रहा है मार्केट के अंदर। ये कुछ ही दिनों पहले मैंने परचेज़ की थी ये मशीन, तो मैं आपको इसका ओवरव्यू करवाता हूँ। बहुत ही मज़े की इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ, तो इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ दिनों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही स्मूथ है चलने में, काम में बहुत ज़्यादा आपकी आसानी लाती है ये मशीन और चलने में बड़ी फास्ट है। इसका थोड़ा सा फ्रंट लुक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसके ऊपर की सतह है, ये इसका फ्रंट लुक है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ कुछ एसेसरीज़ भी हैं। पहले तो मैंने सोचा था इसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने ही करूँगा, लेकिन फिर किसी रीज़न से नहीं कर सका। ये देखिए, अच्छा ये इसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये इसके साथ इसके कुछ हमें ये इसकी कुछ गैजेट्स मिले हैं जिससे हम इसके कुछ स्क्रू वगैरह टाइट्स कर सकते हैं, जैसे पेचकस वगैरह हैं। ये इसके साथ इसकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखिए, ये इसके साथ इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वो सुइयाँ वगैरह भी आई हैं। अच्छा, ये इसके साथ इसकी दो ये हैं एक्स्ट्रा थी और एक उसके अंदर नीचे लगी हुई है। और ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली यहाँ पे फिट था, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पीछे इस तरह फिट होता है कि जब आप यूज़ करने के लिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, लाइट ऑन करता हूँ मैं, ये यहाँ पे नीचे था, यहाँ पीछे इस तरह से फिट होता था। ये इसलिए होता है कि जब आप मतलब अपनी सिलाई ख़त्म कर लेते हैं तो इसके पीछे यहाँ पर ये एक ब्लेड लगा हुआ है, ये एक ब्लेड है, इस ब्लेड की मदद से आप फ़ौरन से इसको धागे को वहीं से काट सकते हैं बगैर किसी कैंची कटर के। अच्छा, तो गाइज़ ये इस तरह से इसका लुक है। ये नीचे इसका एक्सेलरेटर है और ये साथ इसमें पाँव उठाने वाला, ये देखिए बड़ा स्मूथ है। ये देखिए, आप मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो वो पाँव को ऊपर उठा रहा है। इस तरह से इसकी ये कुछ लुक है। तो अभी इसको मैं आपको थोड़ा सा रन करके बताता हूँ गाइज। इसके बाद मैंने आपको जैसे कि बताया, हम इसको कुछ प्रैक्टिकल करके बताते हैं। यहाँ पे ये इसका बटन है पीछे ऑन ऑफ का, ये देख सकते हैं, यू कैन सी, ये बटन है। इसको जो ही हम प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा ये मशीन ऑन हो चुकी है। ये इसका जो है ये बोर्ड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, स्पीड की मेजरिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस पर लिखा हुआ है स्पीड, आप यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा तो आप देखिए, ये अब स्पीड यहाँ पर करूँगा तो ये ज़्यादा हो रही है, 10, 11, 12, 13, 14, और इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ से स्पीड इसकी कम होगी। तो मैं स्टैंडर्ड आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप स्टार्टर हैं तो आप 20 इज़ बेस्ट फॉर यू, अगर आप बिगिनर हैं इस मशीन पे। यहाँ पे इसकी सिलाई का ये पोर्शन है, यहाँ से इसकी सिलाई आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से इसकी आप अपना टांका जहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसकी स्टार्टिंग पे, ये इसकी कुछ लुक है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़े मज़े का फीचर है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देखिए, ये छोटा सा मैं आपको दिखा सकूँ, ये यहाँ पे एक बटन है, ये देखिए ये वाला बटन है। इस बटन को अगर यहाँ से हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक दफ़ा इसको इस तरफ आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये देखिए, यहाँ से इसकी ये नीचे लाइट लगी हुई है, जो इसकी लाइट इसकी ऑन हो चुकी है। अब अगर आप अपनी सिलाई में बिल्कुल आपको मसला नहीं होगा तो आप इसको डिम भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये डिम होगी, ये फुल होगी, ये डिम, ये बंद। तो इस तरह से अब इसको मैं सिलाई लगाना चाह रहा हूँ सिंपल। इसके अंदर मशीन जैसे हम नॉर्मल सिलाई के अंदर धागा डालते हैं, ये धागा डालना है, डाला हमने, और फिर धागा डालने के बाद हमने सिंपली इस पर अब आपको सिलाई चेक करवा रहा हूँ। ये नीचे इसका पायदान, जैसे मैंने बताया ये पायदान है इसका, ये देखिए, यहाँ से मैं इसको उठाऊँगा और यहाँ उठा के यहाँ पे मैंने इसको नीचे यहाँ पे सेट कर दिया, सिर्फ आपको ट्रायल दे रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से इसके बाद अभी हम सिंपली एक्सेलरेटर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जो ही हम क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ से देखिए, तो ये इस तरह से सिलाई बिल्कुल परफेक्टली, ये देखिए कितनी ज़्यादा नीट इसकी सिलाई है, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका टांका है। ये देखिए, पीछे से भी बिल्कुल क्लीन है। इस तरह से आप इसके साथ और भी इसकी हम स्टिचिंग एक दो लगाते हैं। तो गाइस, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप अगर थोड़ी सी ये कॉस्टली है, इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो मैंने ये पाकिस्तान के अंदर से ये मुझे मिली थी तकरीबन 42,000 की, लेकिन आप यकीन जानिए कि काम के एतबार से ये पैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्मूथ चलने में, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है चलने में। और ये तो मैं 20 पे कर रहा हूँ, अभी मैं आपको इधर देखिएगा, अभी मैं इसको अगर इंक्रीज़ कर देता हूँ फुल पे,
ये देखिए इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 40 है। अगर मैं 40 पे क्लिक करके आप देखिएगा, ये मैंने साथ में खुद ही जुगाड़ किया हुआ, ये देख सकते हैं आप, ये अच्छा होता है, बार बार आपको मसला नहीं होता। अब देखिएगा इसको, अब मैंने 40 पे किया, अब मैं इसको जब सिलाई लगाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। वेट कीजिएगा, अभी आप देखिएगा यू कैन सी ये बहुत तेज़ हो चुकी है, ये अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप जब बिगिनर हैं, ये देखें सिलाई में कोई फ़र्क नहीं आया, सिलाई वैसी ही है इसकी, तो इसलिए आप ये मशीन परचेज़ कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।